तो मैं आज आपका अपना दोस्त केडी ऑडियो की तरफ से। तो दोस्तों ये जो ऑर्डर है, देखो ये बेसिकली जो ऑर्डर बना है, ये बना है मुंबई के लिए। मुंबई जाएगा भाई ये ऑर्डर, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई जाएगा। तो ये बेसिकली कल रात का ऑर्डर था, कल रात को आया था, बट ये उस ऑर्डर को भी पूरा करके तो इस ऑर्डर को मुंबई पहुँचाना है। तो स्पीकर हैं इसमें, जिस भी भाई ने ऑर्डर दिया था उसने इसमें 10 इंची के स्पीकर मांगे हैं, और भाई 150 वाट का हमने स्पीकर इसमें रखा हुआ। तो ये जो स्पीकर है भाई वूफर, ये 135 mm की मैग्नेट में है, ठीक है, 135x20 mm की मैग्नेट में ये है, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेट है जो इसकी 20 mm की है, बाकी 135 mm का डाया, जो डाया है वो इसकी मैग्नेट का है। और ये वूफर 10 इंची में होने वाला है, 10 इंच का ही वूफर है भाई, 8 ohms का। बाकी मैं आपको सारी स्पेसिफिकेशन अभी बता दूंगा वीडियो के अंदर, तो वीडियो में पूरे एंड तक ज़रूर बने रहना। और भाई ये ऑर्डर मुंबई जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी भाई हमारे पास ऑर्डर आते हैं भाई उनको पूरा करा जाता है, फुलफ़िल करा जाता है। ये नहीं है कि भाई किसी का अमाउंट आ गया हमारे पास और उस ऑर्डर को ना पूरा करा जाए। तो मैं भी आपको इसको काट के भी दिखाता हूँ सारी इसकी जो मैंने लगा रखी है, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है कि जब स्पीकर बन जाता है तो उसको ना इस तरह से बांध के और पॉलीथीन में पैक करके रख देते हैं, जिससे धूल मिट्टी ना लगे, फिर देन उसके बाद उसकी पैकिंग होती है। अभी तो इसकी साउंड टेस्टिंग भी चलेगी। तो इसकी रिबन जो है वो काट ली है, ठीक है, जो इस पर टाई जो लगा रखी थी वो काट ली है। अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए भाई वूफर की लुक, दोनों वूफर की लुक देख लीजिए भाई। तो ये जो कॉर्न होती है बेसिकली इम्पोर्टेड कॉर्न होती है, ठीक है, ये इसकी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं कि अलग ही एक शाइनिंग होती है कॉर्न में। ज़्यादातर मैंने अपने जो वूफर हैं, मेरे वूफर्स में आप देख सकते हैं यही वाली कॉर्न लगी हुई होती है। तो इस कॉर्न का बेसिकली ये जो एरिया है ये फॉर्म का होता है। और भाई मैं आपको बता दूँ, जितना हल्का कॉर्न रहेगा उतनी तगड़ी पंप और बेस बनेगी, ठीक है। जितना भारी कॉर्न होता है भाई वो कॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसी आपकी कॉइल रहती है उस हिसाब से वो जंप वगैरह करते हैं। तो भाई ये जिस भाई ने हमें ऑर्डर दिया था, आपको मैं दिखा देता हूँ, अंदर से सिलिकॉन स्पाइडर लगा हुआ बिल्कुल, मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से जो है वो बनाते हैं। तो भाई साहब देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमारा स्पीकर लोगों से थोड़ा सा क्यों कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि भाई देखो होता ये है कि मैग्नेट सेम होती है सभी की, जितने भी आप मैग्नेट लोगे सभी की सेम मैग्नेट मिलेगी आपको। बट दिक्कत किस चीज़ की होती है कि भाई उसकी चार्जिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मैग्नेट किस तरह से आपका प्राइस मैग्नेट का रहने वाला है। अब जो हमारे पास जो मैग्नेट है भाई, वो ज़्यादातर स्पीकर्स में हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि 3-phase चार्जिंग की मैग्नेट यूज़ करें, क्योंकि 3-phase चार्जिंग की मैग्नेट का भाई ये बेनिफिट होता है कि अगर बाय द वे आपने स्पीकर लिया आज, ठीक है, आपका ना चाहते हुए भी 1 महीने 2 महीने 3 महीने या साल भर बाद स्पीकर फूक गया, तो अगर आप उसको रिबाइंड कराते हैं स्पीकर को 10 इंची वाले को, या कोई भी XYZ कितने भी वाट का स्पीकर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर उसकी मैग्नेट 3-phase में, अगर उसे आप रिबाइंड कराते हैं, मतलब दोबारा न्यू से बनाते हैं उस स्पीकर को कॉइन कॉइल डाल के, तो उसकी साउंड आपको उसी तरह से मिलेगी जिस तरह से आपने उसको फर्स्ट टाइम में परचेज़ किया होगा। क्योंकि 3-phase मैग्नेट चार्जिंग का यही एक बेनिफिट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर करंट बिल्कुल मेंटेन रहता है। वो जब आपकी कॉइल जलती है फूकती है तो उसका प्रेशर डिस्चार्ज नहीं होता, उसकी जो चार्जिंग है मैग्नेट की वो डिस्चार्ज नहीं होती। 3-phase मैग्नेट चार्जिंग का ये बेनिफिट होता है। बट आपकी जो मैग्नेट होती है वो सभी की सेम ही होती है, बस वो आपका डिपेंड करता है कि आप किस चार्जर से उसको चार्ज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो हम चार्जर यूज़ करते हैं वो 3-phase का यूज़ करते हैं, इस वजह से मार्केट से थोड़ा सा हमारा स्पीकर कॉस्टली होता है। वहीं अगर आप इसको स्पीकर को आप मार्केट में लेंगे तो वहाँ पे आपको ये 1000-1200 रुपये तक का पड़ेगा। अगर बाय द वे आप हमसे लेते हैं वही आपको 1600-1700 रुपये के समथिंग में स्पीकर पड़ने वाला है। और प्लस में 4 ईयर मैग्नेट की वारंटी भी हम देते हैं, क्योंकि अगर बाय द वे आपकी मैग्नेट डिस्चार्ज हो जाती है किसी भी केस से, तो आपकी मैग्नेट को फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज करके दिया जाएगा भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज करते हैं, कोई 1 रुपया लगेगा नहीं, आपका 1 रुपया नहीं लगने वाला। वहीं अगर आप दूसरे कोई भी स्पीकर आप बाय द वे लेते हैं, तो अगर बाय द वे पहली बात तो लेने के बाद उनकी ना तो कोई गारंटी कुछ नहीं होती, क्योंकि स्पीकर फूक गया तो फूक गया। यहाँ अगर फूक जाता है तो आप स्पीकर तो भाई वही आपका है कि स्पीकर को आपको देख के चलाना है। देन उसके बाद ये होता है कि अगर आपकी मैग्नेट डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका जिम्मेवार केडी ऑडियो रहेगा। केडी ऑडियो आपको मैग्नेट को फुल चार्ज करके देगा, हालांकि 3-phase मैग्नेट चार्जिंग कभी डिस्चार्ज नहीं होती, ठीक है। आप इस पर 4 ohm अगर हाँ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस पर लोड की बात करें तो आप इस पर कम से कम ये करंट में अभी जो है 135 mm x 20 mm की मैग्नेट के साथ बना हुआ स्पीकर है, वूफर है बेसिकली, वूफर स्पीकर कहते हैं इनको, ठीक है। वूफर स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर नहीं बोलते, वूफर स्पीकर बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या कहते हैं हमारा जो है आपको, तो इसमें आपको जो नॉर्मल RMS मिनिमम RMS वाटेज जो मिलती है भाई, वो मिलती है आपको 140 वाट,
140 वाट आपको मिलेगी। देन उसके बाद आपको मैक्सिमम जो वाटेज आपको मिलने वाली है वो 200 वाट तक, 200 वाट तक इसमें आपको आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। और जो कॉपर, जो कॉइल का जो कॉपर है वो थोड़ा सा हाई गेज में रखा है, क्योंकि भाई बेस के लिए ही लोग ने इन्हें प्रेफर करते हैं, क्योंकि 10 इंची में मुझे लगता है कि आपका 12 इंची से अच्छा बेस आता है। अगर आप सबवूफर लगाना चाहें 10 इंची 12 इंची में तो बात अलग है, बाकी भाई वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी में, क्योंकि 10 इंची में आपको वोकल बेस दोनों मिलता है। तो मैंने उनको प्रीफर भी करा था कि आप 120 mm में ले लें मैग्नेट में, तो उसमें क्या होता है कि आपको वोकल भी आपको अच्छा मिलेगा और देन आपको बेस भी मिलेगा। बट उन्होंने मुझसे मना करा था कि मुझे मैग्नेट थोड़ा बड़ा चाहिए, तो उसमें बड़ा मैग्नेट होने के साथ साथ कॉइल भी बड़ा हो जाता है, तो उसमें बेस बढ़ जाता है, सीधी सी बात ये होती है, ठीक है। तो चेसी हमारी आयरन की हो जाती है, ठीक है, ये हो जाता है पूरा वूफर। और ये दो पीस जाने भाई मुंबई जाने हैं, ठीक है। तो ये स्पीकर रेडी है, अब इनकी टेस्टिंग रहेगी, एक दो दिन इनकी टेस्टिंग चलेगी, देन उसके बाद इनकी पैकिंग चलेगी और फिर ये हमारे यहाँ से चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। KD Audio चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।